आज हम वापस आ गए हैं पोकेमॉन रेनेगेड प्लैटिनम में। तो आज हम लोग जिम हराने वाले हैं जल के। चलो चलते हैं। अरे ये क्या खड़ा है, क्या हुआ? ये मत बोलना कि गार्डन ही अंदर नहीं। अरे यार रूट 216 पर है वो, तो माउंट कॉर्नेट से नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा माउंट कॉर्नेट जाना पड़ेगा उसके लिए। ये और पता नहीं किधर होगी अब गार्डेनिया। अरे साइड में किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? इस साइड है ना माउंट कॉर्नेट। अरे यार ये और आ गया रॉय। पोकेमॉन स्टैचू देखने नहीं आया हूँ, मैंने देख चुका है। ये कोबेलियन का है क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं कोबेलियन का तो नहीं है, पता नहीं किसका है, समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो। चलो अभी हम लोग माउंट कॉर्नेट में जाते हैं। अरे अभी तो जा, बकवास मत कर अपनी, अभी टाइम पास करवा रहे हैं हमको। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ हम माउंट कॉर्नेट में जाते हैं और रूट 216 पर से उसको लेके आते हैं गार्डेनिया को। इधर कुछ है क्या? नहीं है। चलो माउंट कॉर्नेट में चलते हैं। अरे यार ये पोकेमॉन इतने एनकाउंटर हो रहे हैं बार बार। चलो पोकेमॉन देखो लेवल सबके सही है, 21 और वॉल्ट्रोल सबसे कम लेवल पर है। चलो फिर भी सबकी सही लेवल है। चलो छोड़ो इससे बैटल होगी, बैटल में नहीं दिखा रहा, थोड़ी सी दिखा देता हूँ। बैटल तो नहीं दिखा रहा मैं ज़्यादा। चलो इसको तो हरा दिया, अब कौन है बेल्डम। चलो बस अब बैटल ज़्यादा नहीं दिखा रहा, तो जैसे ही मैं इसको हरा देता हूँ फिर आता हूँ वापस। तो देखो मैंने उसको हरा दिया था और मैं पोकेमॉन हील करने जा रहा था पोकेमॉन सेंटर, और बीच में मुझे ये मिल गई सिंथिया। तो सिंथिया आपसे बात कर रही है, क्या हुआ हायर इंटरनल सिटी? हाँ स्टैचू मैंने देख लिया पहले से ही, उसके बारे में एक मिथ है। अच्छा बोल रही है हम कभी शायद उसको मिल, ट्रैवलिंग करते समय हमको दिख जाए क्या बताओ। HM1 दिया, HM1 क्या कट? हाँ चलो मैं कट मॉनफर्नो को सिखा दूँगा। चलो मैंने मूव भी सिखा दिया, अब मैं माउंट कॉर्नेट में जा रहा हूँ। हील वील सब कर लिया मैंने। चलो अब चलते हैं। चिंगलिंग मेरे को नहीं पकड़ने का, लेकिन कोई भी मैंने वाटर को इस वजह से आगे रख रखा है क्योंकि केव है, तो ऑब्वियसली रॉक टाइप पोकेमॉन ही होंगे, फिर भी स्टील टाइप मिलेगा। चलो चलते हैं शायद। अरे इधर से है ना रूट 216 शायद इधर है। चलो बाहर, अरे 211 तो इसके आगे है क्या पता नहीं। अरे कितने पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे हैं, अरे दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे। अरे ये पोकेमॉन लेता हूँ, अरे बार बार आ रहे हैं ये तो पोकेमॉन। अरे यार ये तो ले नहीं दे रहे पोकेमॉन, क्या कर रहे हैं लोग। चलो कोई नहीं लेते हैं हम जल्दी, अब मिल गया। चलो अरे वाह बैगॉन, बट मेरे को पकड़ना नहीं है क्योंकि ड्रैगन टाइप को बहुत हार्ड होता है ट्रेन करना और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उनके लिए, मतलब उनको। यहाँ बैटल होगी शायद अब इन लोगों से, इससे बैटल होगी क्या? नहीं। अच्छा ये आगे जा रहे नहीं दे रहा हमको, चलो हमको जाना भी नहीं है फिर। नहीं हमको तो जाना है 216। अरे बैटल नहीं दिखा रहा, मैं सबसे लड़ चुका हूँ और इस साइड कुछ भी नहीं है, शायद इधर कुछ है तो अब मैं इधर जा रहा हूँ। जियो डूड, अरे यार बहुत पोकेमॉन, रैपल भी नहीं है मेरे पास, मैंने ख़रीदे ही नहीं, इसको हरा ही देता हूँ, इसको इतना ही आना है तो रस्ते में। चलो चलो इस 22 पे भी आ जाएगा वाटर अपना, वाटर पल्स सीख रहा है अब, सिखाएंगे वाटर पल्स। तो टैकल हटा देता हूँ मेरे अंदर, टैकल टैकल सही रहेगा। अरे मुझे वाटर टाइप कोई मूव हटाना चाहिए था। चलो छोड़ो शायद इधर है क्या 216। अरे इधर ये टीम गैलेक्टिक पता नहीं क्या कर रही है, कब से पूरे सिटी में उन्होंने कर रखा है अपना कुछ तो, अब मतलब पूरे सिटी में घेर रखी है उन्होंने, हर जगह पे वही थे। चलो इसको तो हरा दिया हमने। अरे इधर तो रास्ता ही ख़त्म हो गया, इधर तो कुछ भी नहीं, ये भी बात नहीं कर रहा, बोल रहे किड्स के लिए नहीं और ऐसा कुछ। क्या होगा अब इधर से, फिर रूट 216 है किधर? ये तो मिल ही नहीं रहा। अरे लो एंड हो गया ये तो। अरे वो पोकेबॉल ले लेता हूँ, लेकिन वो तो ले लेता हूँ शायद कुछ अच्छा मिल जाए। अभी हमारे पास 2 HM हो चुके हैं, रॉक स्मैश और कट। फायर स्टोन मैं ऐसे ही लगा के देख रहा था, मेरे को पता है कोई भी इवॉल्व नहीं होने वाला,
अरे वो ड्रैगन क्लो मिल गया, इसको 4 मिलियन को सिखा देता हूँ मैं ये। तो चलो अब मैं थोड़ा हील कराता हूँ, तो ये सीन कट कर देता हूँ, मैं उधर सिटी में जा रहा हूँ, हील कर लेता हूँ। पहले इसको सिखा देता हूँ 4 मिलियन को ड्रैगन क्लो। क्या हटाऊँ, ड्रैगन ब्रेथ हटा दूँ, एम्बर हटा देता हूँ ड्रैगन ब्रेथ से। तो हाँ एम्बर सही रहेगा हटाना, चलो एम्बर को हटा देता हूँ। चलो अब हम लोग चलते हैं, चलो निकल गया मैं केव से। अब मुझे कुछ ढूंढना है, अब वो रास्ता 216, रूट 216 मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर है वो गार्डिनिया। चलो फिर भी अब ढूंढना तो पड़ेगा। इस घर में नहीं, इस घर में तो नहीं होगी, मतलब क्या है इस घर में। अरे हर्ब शॉप है, नहीं नहीं खरीदना मेरे को कुछ भी। अरे इसमें ये लोग भी नहीं जाने दे रहे लगता है हमको अंदर। हाँ इसके लिए फॉरेस्ट बैच चाहिए हमको, जो हमको वो एटर बोल रहा था गार्डेनिया देगी, और गार्डेनिया तो इधर है ही नहीं। अरे इधर से जा सक, अरे हमारे पास बाइक बाइसिकल है ना, तो हम जा ही सकते शायद इधर से ही है कुछ रास्ता, देखता हूँ। अरे इधर ट्रेनर और मिल गया, सीन काटता हूँ मैं दिखा दूँ क्या, चलो दिखा देता हूँ ये बैटल सीन। कोई बहुत टाइम से बैटल दिखाई नहीं रहा कोई भी, और फिर भी बोरिंग होती है, इस वजह से मैं काट देता हूँ। इतना एपिसोड भी लंबा होता है, बोर होगा तुम लोगों को, इतने कुछ खास बैटल्स वैसे भी हैं नहीं, इस वजह से काटता हूँ। अच्छी अच्छी बैटल्स हैं वो, लेकिन मैं पूरी पूरी दिखाता हूँ। जिम की भी मैं नहीं दिखाऊंगा शुरू के, मतलब जो जिम के लोग रहते हैं ना उनकी भी नहीं दिखाऊंगा, उनकी भी खास नहीं रहती, सबसे अच्छी जिम लीडर की रहती है। अरे कुछ सीख रहा है, क्या है क्या है क्या है, टेक डाउन, वाइन व्हिप को हटा देता हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं सीधा जिम लीडर की दिखाया करूँगा, उन दोनों की भी नहीं दिखाऊँगा। तो मुझे अभी अभी रास्ता मिल गया है, तो रूट 211 पे हम गए थे, उससे मेरे को मिला था। केब में वापस जाना है और इस तरफ जाना है, हम इस तरफ आए नहीं थे, इधर ही रास्ता है। मेरे को रास्ता मिल गया, बहुत ढूंढा मैंने जब जाके मिला। अरे पोकी बॉल है, अरे मुझे रेपल अभी भी नहीं खरीदे, रेपल खरीदने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, इस बार खरीद लूँगा, इसको हरा देता हूँ, इससे क्या थोड़ा ये ट्रेन भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अरे तो बीच बीच में आए जा रहा है, बार बार इसको आना है। चलो अरे यार, अरे क्लिफेरी, फिर भी छोड़ो इसको क्या। अरे इधर से है नहीं, अब मेरे को पोके बॉल्स नहीं लेनी, मैंने देखी है, मेरा भी मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे सिर्फ गार्डनिया को ढूंढना है और पोकेमोन जिम लड़नी है मुझे मेरी। निकला क्या रास्ता, अरे मिल गया मिल गया, अरे अंदर भी नहीं घुसते थे रे, मिल गया। अरे क्या है ये, नेवर मेल्ट आइस, आइस तो मेल्ट होती है ये, अरे ये कैसी आइस है। अरे रास्ता ये क्या, स्नो पॉइंट सिटी में आ गए हम तो, मेरे को लग रहा है मतलब स्नो पॉइंट सिटी के आजू बाजू आ गए हैं, तो शायद लगता है इधर ही है वो। अरे रूट 216 ही लिखा था ना, हाँ रूट 216 ही है, अब हमको मिल जाएगी वो। इसको आगे रख लेता हूँ, क्योंकि अब फायर टाइप पोकेमोन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, या एलिक्विड को मेरे को ट्रेन करना है, इसको आगे रखता हूँ। तो मैं बैटल करता हूँ उससे, तो चलो पॉलीगोन है इसके पास, क्या मूव यूज़ करूँ, थंडर पंच करूँ, शॉक वेव करता हूँ, इसको मैंने हरा दिया। चलो 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 चलो, तो आ गए हम लोग, बाकी लोगों ने हमसे बैटल ही नहीं की। छोड़ो इधर हील हो गया क्या, अरे हील छोड़ो, वो सामने गार्डिनिया खड़ी है। अरे इसके पास 5 बैज है यार, मेरे पास वो दूसरा भी नहीं है, ये आई नहीं रही जिम में, क्योंकि हाँ मेरे को पता था तो एटर्ना सिटी की जिम लीडर है। चलो हाँ हम तेरे को ढूंढने आए, और जल्दी जा अब अपनी जिम में, फिर हम आते हैं तेरे को हराने पीछे पीछे। चलो ये गई, एक बार इधर हील करा लें हम लोग। चलो अब हम भी जिम चलते हैं इसकी, यार इसकी लेवल ज़्यादा तो नहीं होगी ना जिम की, यार जितनी मैंने मैंने पोकेमोन की है उतनी होगी ना। चलो मैं सीधा सिटी में जाता हूँ, चलो पहुँच गए हम लोग, रेपल का इफेक्ट हट गया, मैंने रेपल ख़रीद लिए थे। चलो अच्छा है, अब हम सीधा जिम चलते हैं, हील करा के आता, अरे हील हील लिया पोकेमोन, क्या हील करा रहा हूँ। चलो चलते हैं हम लोग जिम हराने, चलो जिम के अंदर पहुँच गए। अब क्या है,
इससे लड़ना पड़ेगा कि सबसे पहले हर जगह तो पानी पानी है। अच्छा सही रही, बैटल करती है, मुझे को लगा ये कुछ बताने के लिए है क्या। चलो लो टैड थंडर पंच करता हूँ, चलो अब जल्दी से इसको हराना है। अरे यार तो पहले के कमज़ोर सा हो गया यार बहुत, क्या कि नहीं यार। चलो ये बैटल हटा दूँ क्या मैं, चलो बैटल हटा देता हूँ, थोड़ी देखा चलो दिखा देता हूँ थोड़ी तो फ्लेम व्हील। चलो इसको हरा देते हैं, इसकी बैटल दिखा देता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओ कितनी बोरिंग होती है ये वाली बैटल। फ्लेम व्हील चलो बर्न हो गया, गया 25-25 तो लगभग सब तो नहीं हुआ है हमारे पोकेमॉन, ये 23 का है यार। 20-20 के पोकेमॉन होना इसके जिप में तो अच्छा है। वैसे यार पोकेमॉन रेडिगेट प्लैटिनम की जिम इतनी ज़्यादा हार्ड है, और पोकेमॉन प्लैटिनम या पर्ल या डायमंड सब के मुकाबले तो इतनी ज़्यादा हार्ड थी, पिछली वाली जिम भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। 3 ट्रेनर है, अब बाकी की फ़ाइट नहीं दिखाऊंगा मैं, कि मैंने कहा था बोरिंग सी यही देखो, मज़ा भी नहीं आया इस बार भी। इन दोनों की मैं कट कर दूंगा, सीधा आप जिम लीडर से लड़ेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा उससे लड़ने में। इसके स्क्वाड है वीपिंग बेल, चलो ये निकालता हूँ स्टारेविया। चलो इसको हरा दिया हमने, चलो 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 चलो। अब इस तरफ लास्ट ट्रेनर है, फिर इसके बाद सीधा जिम लीडर। यहाँ की जिम फाइट बहुत हार्ड होती है, लेकिन हार्ड होती है तभी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है हार्ड बैटल्स में। मतलब मुश्किल भी बहुत रहती हैं पर यार मज़ा भी आता है। चलो इसको भी हरा दिया आपने, अब हम जाएंगे सीधा जिम लीडर से लड़ने। आ गए हम लोग जिम लीडर के पास, चलो लेट्स हैव बैटल। कौन निकल रही है? बेलोसम, मैं मॉनफर्न सबसे आगे रखा था, मैंने इसको ट्रेन कर लिया था। ओ मेरे को लगा मैं आसानी से जीत जाऊंगा इतना रखूंगा तो, पर ये तो 25-25 के निकले। देखो ये फ्लेम थ्रोअर भी सीख चुका है, अरे यार फ्लेम थ्रोअर ही करता हूँ, अरे हार ही नहीं रही। ओ डैजलिंग ग्लीम कर दिया उसने फ्लेम थ्रोअर, चलो पहला पोकेमॉन तो इसका फेंट कर दिया हमने मॉनफर्नो ने। अरे मॉनफर्नो 29 का हो गया, और अपना 4 मिलियन भी देखो बहुत ट्रेन हो गया है। सब पोकेमॉन मैंने बहुत ट्रेन किए थे, बट मेरे को नहीं लगा था इतने लेवल के बावजूद भी हमारे लिए इतना हार्ड होगा ये जिम। चलो रोज रेड को भी हरा देंगे अब जल्दी हम लोग। एक और फायर फैक और ये गई, ओ फेंट नहीं अरे फेंट हो गया। और यहाँ पर रिवाइव भी नहीं खरीद सकते अभी हम लोग, सो सब टिका हुआ है स्टारेविया और अपने मॉनफर्नो पर। सुपर पोशन यूज़ कर देता हूँ एक मॉनफर्नो पर, इसकी तो कुर्बानी जानी है क्योंकि ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेवल भी कम है। स्टारेविया निकालूँ या एलिकेट निकालता हूँ, और इसका ज़रा पैरालाइज हटा देता हूँ। हील पाउडर है मेरे पास तो पैरालाइज हट गया। चलो अब ये हारेगा, हम मॉनफर्नो निकालेंगे इसके बाद फिर से, वही जिता सकता है हमको। हाँ मॉनफर्नो 30 का हो जाएगा अगर इसको हरा दिया तो, इससे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, 1000 से तो ऊपर ही मिलेगा। अरे लो 1100 का, अरे नहीं हुआ फिर भी। अरे इसको वापस बुलाना चाहिए मुझे, अब एक में नहीं गया तो फिर हम लोग गए। अरे बच गया, 1-1 हो गया। वापस बुलाता हूँ अब इसको ज़रा, क्योंकि हील करूँगा। मैंने पोशन और सुपर पोशन बहुत सारे ख़रीदे हैं, क्योंकि अब जिम यहाँ बहुत हार्ड हार्ड होने लगी हैं, तो बिना पोशन के उनके जीतना मुश्किल है। इधर गया मॉनफर्नो ये रहा, चलो उस पर एरियल एसी यूज़ करते हैं। अब तक क्या हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ। अरे 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 ये वाला तो लगना चाहिए इसको ज़ोर से, सही है। ओ अब तो गए, अब हमारे पास सिर्फ आखिरी ताकतवर पोकेमॉन मॉनफर्नो ही बचा है। चलो फ्लेम थ्रोअर, ये तो एक ही बार बजाएगा, सही है। 30 का हो गया, देख लो मॉनफर्नो हो गया 30 का, बस 4 लेवल और ये इवॉल्व हो जाएगा। 1-8 होना चाहिए, वरना हमारे लिए बहुत अभी मुश्किल है वैसे ये जिम, पर लेवल तो हमारे ज़्यादा है, पर फिर भी जिम तो मुश्किल है। अरे थोड़ा सा रहेगा, एक और फ्लेम थ्रोअर करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं पोशन यूज़ कर। अरे लो कर लिया, जाए गया गया गया। अब आखिरी पोकेमॉन कौन रहता है इसका आखिरी पोकेमॉन, ब्रिलूम है। हाँ ब्रिलूम। अब आइविसोर को निकाल देता हूँ, आइविसोर से स्लज करवाऊँगा मैं, और पहले इसको ज़रा हील करने के लिए मैंने इसको बुलाया है। 20 HP का मैं ना, हाँ हो गया फुल।
अब इससे हम लोग स्लज करवाएंगे। चलो, अरे अरे अरे, इसने तो लगभग खुद ही हरा दिया इसको। अरे अरे, चलो यही हरा देगा शायद। करते रहते हैं स्लज स्लज। अरे नहीं, अगर ये उठा नहीं तो हम लोग हार जाएंगे, मतलब सॉरी वीन आईवीसोर हार जाएगा, क्योंकि अब हारने के तो चांस है नहीं। अब तो हम एकदम जीत गए हैं। मॉन्टफर्नो 30 का हो ही गया इस जिम में। अरे हारते हारते मैं जीत गए। और हमारा इसके बाद सबसे ज़्यादा लेवल का हमारा 4 मिलियन है, 29 का। तो हमने कहा इस मुबारक को जिम जीत लिए। सो अब हमको बैच देगी, रिसीव कर लिया हमने फॉरेस्ट बैच, और हमारे पास 2 बैच हो गए। अब हमको पोकेमोन लीग में जाने के लिए सिर्फ छः छः बैचेस और चाहिए, वो भी हम लोग जीतेंगे। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ, पिछली बार का बहुत बड़ा कर दिया था, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। चलिए, बाय बाय।